अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से हैं। और कल से आप लोगों ने कुछ स्टोरीज मेरी देखी होंगी। सबसे पहले तो ये स्टोरीज मैंने जब यहाँ पर लगाई ना, तो मुझे कुछ लोगों ने ये भी कहा कि मैम वो सब तो ठीक है, लेकिन दुनिया में तो ये सब चलता ही है। हर कोई जो है दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल के जो है ना अपना नाम चमकाने की कोशिश करता है। सबसे पहले अपना ओपिनियन मेरे बारे में या मेरी टीम के बारे में फॉर्म करने से पहले आप जो है रिसर्च कर लीजिए। सैयदा फरियाद अली फॉरएवर लिविंग लिख के आप सर्च करेंगे, हर प्लेटफॉर्म पे आपको मेरा वजूद भी मिल जाएगा। और मेरी टीम का नाम है पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब। आप इसको भी लिख के रिसर्च करें और जाके देखें कि लोग किस मिशन के तहत काम कर रहे हैं। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे अलावा हजारों लाखों लोग और भी काम कर रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ अपनी अगर बात करूँ पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब का जो मिशन है वो ये है कि हम ना सिर्फ पाकिस्तान में एक लोगों को रोजगार फराहम करना चाहते हैं थ्रू आवर प्लेटफॉर्म, बल्कि हम जो है लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। क्योंकि आज से 2 साल पहले जब मैंने ज्वाइन किया था, मैंने भी इसी तरह से धोखा खाया था, पैसे भी जाया किए, वक्त भी जाया किया, लेकिन मुझे उस वक्त तक ये चीज समझ में आ गई थी क्योंकि जिंदगी में इतने धक्के खाए, इतने ज्यादा एक्सपीरियंसेस से मैं गुजर के यहां तक पहुंची हूँ, तो मुझे ये चीज समझ में आ गई थी कि नेटवर्क मार्केटिंग से बेहतरीन सपोर्टिव अर्निंग मॉडल जो है ना एक खातून, एक लेडी के लिए, एक फीमेल के लिए नहीं है, जिसके पास ना कोई एक्सपीरियंस हो ना स्किल हो, इससे बेहतरीन मॉडल हो ही नहीं सकता। बट इस मॉडल को इतना ज्यादा करप्ट कर दिया गया है, बदनाम कर दिया गया है कि जहां इस बिजनेस मॉडल से पूरी दुनिया में लोग, लाखों लोग अपनी किस्मत बदल रहे हैं। मैं तो यही कहूंगी कि किस्मत बदली जा सकती है, डेस्टिनी जो है ना लिख के नहीं आ जाती, तकदीर का फैसला पत्थर पे लगी नहीं होती, आप अपने एक्शन से, आप अपने यकीन से, फेथ से जो है ना इस चीज को बदल सकते हो। तो पाकिस्तान में क्या हो रहा था कि पाकिस्तान में कितनी ज्यादा जरूरत है एक अच्छे रोजगार की, एक सेफ प्लेटफॉर्म की, और उसको ही जो है ना करप्ट करके छोड़ दिया है, बदनाम करके छोड़ दिया है किन लोगों ने? अफसोस की बात है उन्हीं लोगों ने जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। एक्चुअली करप्शन किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी इंडस्ट्री में वही लोग करते हैं जो उस इंडस्ट्री का पार्ट होते हैं। कोई आउटसाइडर आके करप्शन नहीं करता, आप उस सिस्टम के अंदर घुस के उसकी जड़ें काटते हो। हमेशा हिस्ट्री है ये हर चीज की, आप लोग जो है ना यकीनन इस चीज से अग्री करोगे। अच्छा, जो स्टोरी मैंने जो है पोस्ट की थी उसके बारे में, लाइव करने का जो मेरा मकसद था ना आज, जो मेरा वो 2 पॉइंट एजेंडा है, और वो जो 2 पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि एक तो ये कि उन लोगों को हाईलाइट करना जो सो कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स नंबर वन ये सब बने रहते हैं, तो हमें यहाँ पर ये देखने की बहुत ज्यादा शदीद जरूरत है कि नंबर वन जो है ना आप किसी को किस क्राइटेरिया के ऊपर बना रहे हो। ठीक है, क्या पैसा ही सब कुछ है आपके लिए? ओके, मनी वाइज यस दीज पीपल आर नंबर वन, लेकिन मॉरल्स कहाँ है, एथिक्स कहाँ है? ये पैसा यस दे आर अर्निंग फ्रॉम फॉरएवर, बट ये पैसा किस तरीके से कमाया जा रहा है उस चीज को हाईलाइट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये किसी दुश्मनी के तहत या इस तहत नहीं है कि जो है दूसरे को गंदा करके हम अपना सर उठाना चाह रहे, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारा दीन भी कहता है, हमारा दीन भी ये बात हमें इंकरेज करता है कि अमर बिल मारूफ के ऊपर आप अपना जो है ना अमल आपका इस तरह से हो कि आप अमर बिल मारूफ पे चल रहे हो। आपकी इंडस्ट्री में आपके सामने लोगों का इतना नुकसान हो रहा है, लोग रोजाना के बेसिस पे हमारे पास आते हैं रोते हुए, परेशान हाल, बदवाएं निकल रही होती हैं उनके मुंह से, और क्या क्या इतनी स्टोरीज हैं कि हम तो पब्लिक भी नहीं करते क्योंकि हम इन चीजों पे बिलीव नहीं करते कि हम किसी का नाम क्यों उछालें। भाई उतनी ही एनर्जी हम अपने काम पे फोकस ना कर लें, जो कि हम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन समटाइम्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इस मौजू पे बात करना। पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब का और मोटिव है वो यही है कि अवाम को इतनी ज्यादा अवेयरनेस दे दो, अवाम को नॉलेज का हथियार उसके हाथ में पकड़ा दो कि वो स्कैम ना हो पाए, उसका नुकसान ना हो सके। लोग अपनी लिटरली जिंदगी की जमा पूंजी जो है ना इन लोगों के हाथ में दे देते हैं, कुछ लोगों के लिए 1.25 लाख बहुत बड़ी रकम है, बहुत ज्यादा, तो वो उनका पूरा जो है ना एक तरह से पूरी जिंदगी का सरमाया ये लोग खा जाते हैं और ये लोग डुबा देते हैं, तो उसका हिसाब कौन देगा? जैसे कि मैंने बताया आज से 2 साल पहले मेरे अपने साथ भी स्कैम हुआ, फॉरएवर में ही स्कैम हुआ, लेकिन मैं संभल गई और मैंने दोबारा से सर जिशान के साथ कंटिन्यू किया। अल्हम्दुलिल्लाह उससे 10 टाइम्स 20 टाइम्स मैं मनी मल्टीप्लाई भी कर चुकी हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। जो दूसरा मेरा एजेंडा है इस लाइफ को करने का वो ये है कि आपने स्टोरीज में देखा होगा कुछ लोग जो है ना जो एक तो ये कि वो जो लीडर साहिबा हैं उनके बारे में बात करना जरूरी थी, दूसरा ये कि उन इस पोस्ट के ऊपर जिन लोगों ने कमेंट्स किए थे वो आपने मेरी स्टोरी पे पढ़े होंगे। लोग जो है ना हो क्या रहा है कि हमारी पूरी इंडस्ट्री बदनाम, अब यहाँ पर लोगों की भी गलती है, मैं कहूंगी मैं सिर्फ उन बॉस लेडी को
हाईलाइट नहीं करूंगी यहाँ पर, वो तो गलत है ही, लेकिन जो आवाम है ना वो भी गलत है कि आप अगर एक पर्सन, एक बंदा आपको मिसाल के तौर पर कास्ट सिस्टम की मैं बात करूं, हर जगह है ये चीज। अब लोग क्या कहते हैं कि जी पठानों को ये कहा जाता है कि पठान जो है ना यूजुअली बेवकूफ होते हैं, अखरोट कहा जाता है, खर दिमाग कहा जाता है। भाई हर पठान तो ऐसा नहीं होता ना, बेचारे खामखा बदनाम हो गए हैं। बिहारियों को कहा जाता है कि अच्छा कोई मेरी ऑडियंस में सुन रहा है तो प्लीज बुरा मत मानिएगा, मैं सिर्फ एक हमारे माशरे में जो ट्रेंड चलता है मैं उसकी बात कर रही हूँ। जो कहते हैं ना कि जो ना कटे आरी से वो कटे बिहारी से, शायद आप लोगों ने सुना हो। तो भाई हर बिहारी ऐसा नहीं होता, सिंसियर लोग भी होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं। इसी तरह बहुत सारी मिसालें हैं लोग जो ना जनरलाइज कर देते हैं। कोई और कंपनी हो गई, कोई ऑफिस हो गया, वहां पर अगर किसी एक अफसर ने रिश्वत लेके काम कर लिया या करप्शन कर दी तो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट या पूरी की पूरी कंपनी तो करप्ट नहीं हो जाती ना। तो स्कैम, बस ये कहना शुरू कर देते हैं कि स्कैम हो गया, स्कैम हो गया, स्कैम हो गया। और ना सिर्फ ये कि बल्कि दूसरे आगे 10 लोगों को भी बताते हैं। आगे 10 लोगों को जब आपने बता दिया, आपने क्या किया, आपने अपनी गलती नहीं मानी, आपने ये नहीं माना कि भाई स्कैम मेरे साथ इसलिए हुआ क्योंकि आई अलाउड द स्कैमर टू मेक अ फूल आउट ऑफ मी। सही है, आपने अलाउ किया इस चीज को और आप उसके जाल में फंस गए बआसानी। तो आप पूरी कहानी बताएं ना लोगों को। आप कहानी बताने के बजाय आप जो है 10-50 लोगों को जाके ये बोल देंगे कि जी फॉरएवर तो स्कैम है, घटिया है, ये है, ये है। नो, दिस इज नॉट राइट। इससे हो क्या रहा है, आपका तो नुकसान हुआ ही हुआ। जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि इट इज एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी जो कि पूरी पूरी कंट्रीज की इकोनॉमीज बदलने की ताकत रखती है। हमारी इकोनॉमी का क्या हशर हो रहा है आजकल, कचरा हो चुकी है हमारी इकोनॉमी। इस इकोनॉमी को उठाया जा सकता है अगर हमारी इंडस्ट्री में भी और किसी भी इंडस्ट्री में भी अच्छे से काम किया जाए, सिंसियरली काम किया जाए, जो कि नहीं हो रहा। तो नुकसान किसका हो रहा है ये स्कैम 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 का नारा लगाने से? नुकसान हो रहा है हमारी यूथ का, हमारी खवातीन का, जो किसी जरूरत के तहत कमाना चाहती हैं, अपने हस्बैंड्स का हाथ बटाना चाहती हैं। नुकसान हो रहा है उन खवातीन का जो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में सिर्फ और सिर्फ इसलिए फंस के रह गई हैं क्योंकि उनके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करेंगी तो वो बाहर निकलेंगी ना, वरना तो वो फंसे रहेंगी उस टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंदर। तो बहुत सारे मसले मसाइल हैं जो हल हो सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो लोग हैं ना जो अपने आप को नंबर वन क्लेम करते हैं और लोगों को ड्रीम्स दिखाते हैं, वो करते हैं सारा जो है ना, मैं कहती हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं के ऊपर जाती है। अच्छा, कल ना मैं एक रील देख रही थी, छोटा सा बच्चा था, आई थिंक वो कोई फेमस टिकटॉकर है। तो उसकी एक बात ना मेरे दिल को लग गई। उसमें ये वो कह रहा था कि देखिए, एक होता है सदका जारिया, ठीक है, सदका जारिया नेक काम का होता है कि आपके मरने के बाद भी सदका जारिया जो है वो चलता रहता है और उसका सवाब आपको मिलता रहता है। दूसरी तरफ होता है गुनाहे जारिया। और उसकी बात सुन के ना मेरी रूह कांप गई कि हम जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं ना, जो हम पब्लिक में आके बात करते हैं, हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। या वो जो लीडर्स होते हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं, जिनकी बात सुनते हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ी। अब आप सोचे ना, आप अगर मैं अगर आपको झांसा देकर आपको अपने साथ ज्वाइन करवा लूँ, आपसे बड़े बड़े वादे कर लूँ, हाइप क्रिएट कर दूँ, मिसाल के तौर पर मैं आपको ये बोलूँ, आप लोगों में से जितने भी लोग हैं, अगर आप लोग मेरी टीम में से हो, आप लोग मुझे बताओ कि मैंने किसी से भी ये वादा किया था कि 1 महीने में आप लोग लाखों कमाना शुरू कर देंगे, पहले 1 साल में आप अमीर बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। मैं हम लोग हमेशा ये बोलते हैं कि जी आप अपने आप को एटलीस्ट 6 to 8 months, 6 to 9 months दो सिर्फ अपना बेस एस्टेब्लिश करने के लिए। उसके बाद आप जो है ना स्टार्टिंग से 40-50,000 अर्निंग के ऊपर आप अपना फोकस करना स्टार्ट करो वंस यू लर्न स्किल्स। तो अगर मैं आपसे झूठ बोलूँ या कुछ बोलूँ तो सोचें, कल को अगर मेरी जान खत्म हो जाए, मेरी सांसें रुक जाती हैं, ठीक है, कल को आप इस तरह का कॉन्टेंट पोस्ट करके आप मर जाते हो, आपका वो जो कंटेंट है ना जो मिसगाइडिंग कर रहा है लोगों को, झूठ बोल रहे हैं आप, लोगों को हाइप क्रिएट कर रहे हैं, वो जिंदा रहेगा, वो हमेशा रहेगा, वो हजारों लोग देखते रहेंगे, वो शेयर होता रहेगा। और सोच ले फिर आपका क्या हाल होना है हशर के अंदर। तो अल्लाह माफ करे, ये लोग जो ना ये चीज सोचते नहीं है। मैंने जो पोस्ट शेयर की थी, बेसिकली ये पहली पोस्ट नहीं है, बेसिकली ये जो कुछ लोगों ने मुझसे ना स्टोरी में पूछा भी था, स्टोरी के रिप्लाई में, कि आपने जो है नेम्स क्यों हाइड कर दिए हैं और हमें बताएं, हम भी जाके देखेंगे ये पोस्ट किधर है। तो देखिए, ये पहली पोस्ट नहीं थी जो मेरे सामने आई थी। आप लोग भी बहुत सारी जो खवातीन है वो आप लोग भी डिफरेंट वुमेन ग्रुप्स का हिस्सा होंगे, और अक्सर वुमेन ग्रुप्स के अंदर खवातीन एक दूसरे को हेल्प कर रही होती हैं और सजेशंस ले रही होती हैं। तो इससे पहले भी इस तरह से हुआ है जो कि मैंने इग्नोर किया, लेकिन इस बार मैंने कहा कि नहीं, इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो हुआ ये कि ये एक लेडीज ग्रुप था, वो लेडीज ओनली फेसबुक ग्रुप था,
और इसके अंदर एक एनोनिमस मेंबर ने जो है ना पोस्ट डाली और उन्होंने स्क्रीनशॉट डाला उनका बिनिश अबू बकर का, और उसमें लिखा, उन्होंने उससे सजेशन पूछी लोगों से कि यार हमें बताओ प्लीज कि ये फेक है या रियल है। तो इसके ऊपर कुछ जो कमेंट्स आए ना, वो कमेंट्स मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, एंड आई वांट टू टेल यू व्हाट इज रॉन्ग इन दोज कमेंट्स। ठीक है, कुछ कमेंट्स मैंने स्टोरी पे पोस्ट किए। एक तो ये कि उसके ऊपर ना, उस पोस्ट के ऊपर लाइन लग गई थी, लंबी लाइन, स्कैम 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 स्कैम, इतना ज्यादा हो गया था कि एडमिन ने ना कॉमेंट्स ही वो कर दिए, ऑफ कर दिए थे। अच्छा, एक ने लिखा कि एक तो मैं इन लोगों से बहुत तंग हूँ, रोजाना आके बिजनेस सिखाती हैं और फिर बिलियनियर बनने के ख्वाब दिखाती हैं जैसे बिल गेट्स इनके अब्बा हों। फिर एक ने लिखा कि आ गई ये पावर ईगल वाली बाजी हैं जो कि पावर ईगल का चूरन बेचती हैं। कितने अफसोस की और कितने शर्म की बात है। एक ने लिखा कि मैंने ये काम किया और इन्वेस्ट किया और लिटरली आई रिग्रेट इट। आप सर इसमें तभी काम कर सकते हैं जब कोई आपको इन्वेस्टर मिल जाए, बस आप टीम बनाते जाएं और इन्वेस्ट करवाते जाएं, तभी बस आपको प्रॉफिट होगा। इट्स लाइक अ स्कैम, मैंने अपना टाइम बर्बाद किया है और इस पे पैसे भी बर्बाद किए हैं, आप सब बर्बाद ना कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर ना इस कमेंट के ऊपर मैं ये कहूंगी कि इसमें सिर्फ बिनिश बाजी की गलती नहीं है, इसमें इन बाजी की भी गलती है। अच्छा, इन लोगों के नाम मैंने स्टोरी पे इसलिए वो कर दिए थे हाइड, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था भाई मैंने साइबर क्राइम नहीं करना है, इट्स अ साइबर क्राइम कि आप के बगैर किसी को उसकी इजाजत के आप उसका नाम या उसकी उसकी जो कमेंट है जो कि उसने एक प्राइवेट ग्रुप पे किया उसको आप पब्लिक नहीं कर सकते। अब आप लोग को आगे बीनिश बाजी का मैंने क्यों स्क्रीनशॉट शेयर किया, तो भाई शी इज ऑलरेडी अ पब्लिक फिगर, शी डजंट केयर, ठीक है ना। अच्छा, सो अब ये जो बाजी है ना जिन्होंने ये लिखा है कि मैंने रिग्रेट किया और इस काम में सिर्फ इन्वेस्टर, आप इन्वेस्टर लेकर आओ तो ही आपका आपकी अर्निंग होती है। अब इन बाजी को ना एक्चुअली पता ही नहीं है इन्होंने पावर ईगल्स को ज्वाइन ही क्यों किया। ठीक है, इसका मतलब है ये जो पूरी बात करी है ना कि इन्वेस्टर लेकर आओ, आप लोग मुझे बताओ हमारे बिजनेस में क्या इन्वेस्टर चाहिए होता है? अजीब सी बात कर दी ना इन्होंने, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने बगैर सोचे समझे ज्वाइनिंग दे दी। इन्वेस्टर तो चाहिए ही नहीं होता, हमारा तो बिजनेस मॉडल है ही नहीं, तो आपने क्या सोच के ज्वाइन किया और क्या सोच के छोड़ दिया और बगैर सोचे समझे आप इसको स्कैम कह रही हैं, मतलब समझ से बाहर। एक ने लिखा आई हर्ड दे आर स्कैम। भाई आपने सुना, एज अ मुस्लिम आपने कोई बात सुनी उसको आपने बगैर सोचे समझे आगे कर दी, आपकी जिम्मेदारी किधर गई, आपने ये गुनाह कर दिया बैठे बैठे, यानी कि दिस इज इनसेन ना। आपने एक चीज क्रॉस चेक की ही नहीं है, आपने बस ये लिख दिया कि हाँ जी सुना है मैंने कि ये एक स्कैम है। अजीब, मतलब खवातीन की ना कुछ मुझे बातें समझ में नहीं आती। स्कैम है, आपके भी आपके तो पैसे डूबेंगे और बीनिश बाजी के बनेंगे। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल, यस ये बिजनेस मॉडल नहीं चला रही, बेसिकली ये स्कीम चला रही हैं जिसमें यही होता है। हमारे पास डेली बेसिस के ऊपर वीडियोस, वॉइस नोट्स, स्क्रीनशॉट्स इस तरह के आते हैं जो कि इनकी जितनी भी बड़ी बड़ी ईगल मैनेजर्स और ये सारी हैं जो इंटरनेशनल ट्रिप्स विन करती हैं और सारे करती हैं, इन सब के नामों के साथ बकायदा वी हैव प्रूफ्स। हम जब भी बात करते हैं ना, बस उसको पब्लिक नहीं किया क्योंकि पब्लिक करने की जरूरत नहीं है। लोग हमें भेजते हैं ये चीजें डेली बेसिस के ऊपर और वो हमें बता रहे होते हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने उनसे पैसे लेकर उनके सीसीज अपडेट नहीं करवाए, उनके अकाउंट अपडेट नहीं करवाए, या उनसे पैसे लेकर उनका प्रोडक्ट उन तक नहीं पहुंचाया, बेसिकली वो पैसे खा गए। तो ये इसी तरह से है जिस तरीके से मरियम नवाज की मिसाल ले लेते हैं। चले आजकल मरियम नवाज बड़ी छाई हुई है मीडिया के ऊपर कि वो प्राइम मिनिस्टर तो बन गए, चीफ मिनिस्टर तो बन गई है, लेकिन वो अपने ऊपर ही पैसा लगा रही है, अपने बूथे पे पैसा लगा रही है, अपनी ड्रेसिंग पे पैसा लगा रही है, मुल्क के ऊपर तो पैसा नहीं लगा रही हूँ। तो इट्स जस्ट द सेम। ठीक है, इनका हुलिया भी कुछ कुछ मरियम नवाज जैसा ही दिखता है मुझे तो। उनके हुलिये से आपको फायदा तो नहीं हो रहा ना। आप मुझे ये बताएं, वो जिस भी जिले से हैं, जिस भी शहर से हैं, आई डोंट नो हर हिस्ट्री, बट अगर वो इतना ज्यादा क्लेम करती हैं कि ये बिजनेस जो है उनके साथ अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आप मिलियनेयर बन जाएंगे, तो भाई पूरे मुल्क के नहीं तो कम से कम 5-6 सालों में अपने छोटे से शहर, अपने छोटे से मोहल्ले की ही सिचुएशन बदल दी होती। आपने कोई सक्सेस स्टोरी इस तरह की तो दिखाएं कि आपने कोई काम किया या नहीं किया या सिर्फ अपनी जेब भरी है, तो ये भी एक सवाल है। एक ने लिखा है 1 लाख तो इन्वेस्टमेंट है इनकी, और सेकेंडली इनकी प्रोडक्ट सेल करनी पड़ती है और आए दिन के लाइव सेशन ज्वाइन करके करने के लिए टाइम निकालना पड़ता है, तो मेरे लिए तो प्रैक्टिकल नहीं था, मेरे तो पैसे डूब गए। अब इनको क्या कहेंगे आप? देखिए, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, अगेन
आपने बगैर सोचे समझे दिनेश बाजी के पैसे से इंप्रेस होकर उनको 1,00,000 थमा दिए, आपने बिजनेस मॉडल समझा ही नहीं। देयर इज नो इन्वेस्टमेंट इन एनी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, एक तो पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज ये कि प्रोडक्ट सेल करनी पड़ती है भाई, कोई जबरदस्ती नहीं है, आपके ऊपर किसी ने गन नहीं रखी हुई कि प्रोडक्ट सेल करो। आपको बिजनेस में आने से पहले इस बात, ये तो कॉमन सेंस है ना यार, कि कोई भी कारोबार भाई छोटे से छोटा ठेला ही क्यों ना लगाना हो आपने, आपको कोई ना कोई चीज सेल करेंगे। बिजनेस का क्या मतलब होता है? बिजनेस इज एन एंटिटी विच ऑफर्स समथिंग टू द पब्लिक। जो भी चीज आप पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं उसके बदले में पब्लिक आपको पैसे देगी, पब्लिक वो आपसे प्रोडक्ट या आपकी सर्विस खरीद लेगी। तो भाई आप बिना सोचे समझे बिजनेस में पड़ी ही क्यों जब आपको प्रोडक्ट नहीं बेचनी थी, ठीक है ना। दूसरा ये कि लाइव सेशन ज्वाइन करने के लिए टाइम निकालना पड़ता है, इसलिए मेरे लिए प्रैक्टिकल नहीं था तो मैंने छोड़ दिया। मतलब ये भी आपने हैरत है, आपने ज्वाइन करने से पहले सोचा नहीं, आपको क्या लगा था कि ऑनलाइन का वर्ड अगर जुड़ गया, ऑनलाइन मतलब रातों रात मैं अमीर हो जाऊंगी, बगैर कुछ किए मैं अमीर हो जाऊंगी। यार लाइव सेशन भी अगर आप नहीं देख सकते अपने बिजनेस के लिए तो दिस इज नॉट फॉर यू, ठीक है। फिर आप कुछ ना करें, फिर आप पापा की प्रिंसेस बनके बेड पे लेटी रहें, आप वाकई कुछ ना करें, जो भी आपको निवाले दे रहा है बस वो बैठ के खाएं, आप अपने हाथ पैर ना हिलाएं, ठीक है ना, क्योंकि रोजगार ऐसे नहीं कमाया जाता। अच्छा, एक ने लिखा है इट्स हराम एज वेल, और ये लोग ऐसे हैं कि इन्होंने दीन को भी नहीं छोड़ा, आपका ऐसा दिमाग बनाते हैं कि अल्लाह माफ करे। ओके, इन साहिबा से मैं थोड़ा सा अग्री और डिसएग्री दोनों करूंगी, क्योंकि यस, इन्होंने ये कहा है कि ये लोग ऐसे हैं कि इन्होंने दीन को भी नहीं छोड़ा। बिल्कुल, आप जाके जो है पावरी गर्ल्स के किसी भी टीम मेंबर के और विनेश बाजी के भी जाके आप चेक कर लीजिए सोशल मीडिया, वाकई इन्होंने दीन को भी नहीं छोड़ा। द वे दे मिस यूज द नेम ऑफ इस्लाम, द वे दे मिस यूज इस्लामिक रिचुअल्स, मैं इस चीज के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहती, ठीक है। द वे दे आर डूइंग बिजनेस इट इज हराम, इट्स जस्ट दैट कि जैसे अगर आपने सेब बेचने का ठेला लगाया है और अगर आप खराब सेब किसी को छुपा के बेच रहे हो तो वही सेब बेचने का नोबल सा इनोसेंट सा काम हराम हो जाता है आपके लिए। जिन खवातीन के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है ना कमाई के जरिए का, उसके लिए मैं समझती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग बेहतरीन सोर्स ऑफ इनकम है। तो आप सुनी सुनाई बातों के ऊपर अपना नुकसान मत कीजिए, इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च कीजिए। हराम है यस, जो नेटवर्क मार्केटिंग पिरामिड शेप में की जाती है वो हराम है, जो नेटवर्क मार्केटिंग पोंजी शेप में की जाती है वो हराम है। अब ये पोंजी क्या होता है, ये पिरामिड क्या होता है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, इसके ऊपर बहुत डिटेल में हमने पॉडकास्ट की हुई है, आप मुझसे रब्ता कर लीजिएगा और जो है मैं आपको डायरेक्ट उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी और आपको गाइड भी कर दूंगी। सो नेटवर्क मार्केटिंग इज अल्हम्दुलिल्लाह जो द वे FLP बिजनेस मॉडल इज बिल्ट, इट इज नॉट हराम, एब्सोल्युटली नॉट हराम। अच्छा, एक ने लिखा है किसी भी चुल्लू भर की कंपनी में काम कर लें मगर पावर ईगल्स में काम ना करें। आप ये देखें, शर्म से डूब मरने का मकाम है वाकई इन बाजी के लिए कि लोग इनके बारे में क्या क्या कह रहे हैं। क्या फायदा ऐसे पैसे का जो आपको इज्जत नहीं खरीद के दे सकता, वेरी सैड स्टेट। एक ने लिखा नहीं करना बहन, पैसे डूब पड़े हैं मेरे, अभी तक बड़ा गम है उन पैसों का, पता नहीं कैसे अकल पे पर्दा पड़ गया था। चलो इन बाजी ने सच्ची बात बोली है, वाकई अकल पे पर्दा ही पड़ जाता है जब आप स्कैम हो जाते हो। एक ने लिखा है डोंट फॉल फॉर द ट्रैप, माई मदर इन्वेस्टेड इन दिस बिजनेस बट इट्स अ टोटल वेस्ट ऑफ मनी। मेरी मदर ने जब इन्वेस्ट किया था तो इनका पैकेज 60,000 का था, अब तो 1,50,000 का है। बाय द वे ये जिस टाइम की आप बात कर रही हो ना कि उस वक्त 60,000 का पैकेज था, उसी जमाने में मैंने भी पावर ईगल्स को ज्वाइन किया था, ठीक है उसी। और ये एक अदर स्टोरी है, अनदर स्टोरी है, इसको मैं फिर कभी इंशाल्लाह ताला कवर करूंगी कि मैंने वहां पर अंदर क्या चीजें देखी और मैंने फिर किस तरह से उसको क्विट किया और फिर यहाँ पर मैंने कंटिन्यू किया। आई विल टेल यू द स्टोरी इन अनदर वीडियो। टोटल स्कैम, इट्स अ स्कैम, डोंट डू इट, वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। अच्छा, एक ने लिखा है फेक है और निदा यासिर ने शो पर बुलाकर सबको पागल बनाया। इतनी महंगी प्रोडक्ट है कौन लेगा, लाखों रुपए की होती है यार, लाखों रुपए की प्रोडक्ट नहीं होती सिर्फ, वो एक पूरा प्रॉपर बिजनेस प्लेटफॉर्म मिलता है आपको, गाइडेंस मिलती है, ट्रेनिंग्स मिलती हैं, जो ट्रेनिंग का एक एक ट्रेनिंग का कोर्स आपका जो है ना 20,000 से स्टार्ट होता है और 80,000 90,000 1,00,000 से ऊपर भी जाते हैं। कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट करवाए जाते हैं यहाँ पर। डेली सपोर्ट आपको प्रोवाइड की जाती है, ना सिर्फ स्किल बेस्ड सपोर्ट बल्कि मॉरल सपोर्ट भी प्रोवाइड की जाती है, आपके माइंडसेट के ऊपर ट्रेनिंग की जाती है, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इट्स नॉट जस्ट, और देखें जिस इंसान को बिजनेस की समझ है ना कि वो एक कारोबारी अगर उसका माइंड है और अगर आपने जरा सी भी वर्किंग की हुई है ना, कि बेशक आपने एक ऑनलाइन बिजनेस ही क्यों ना स्टार्ट करना हो,
उस इंसान को पता होता है कि एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी कितनी कॉस्ट लगती है, ठीक है, शुरू में इनिशियल कॉस्ट कितनी लगती है और फिर हर महीने का उसका खर्चा जो निकलता है वो एक अलग होता है। तो जिस इंसान को ये पता है ना, वो इंसान ये कहेगा कि यार 2,50,000 तो कुछ भी नहीं है, एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म के लिए 2,50,000 तो कुछ भी मैटर नहीं करता, इट मीन्स नथिंग लिटरली। तो ये सारी कहानी है। बाकी निदा यासिर की आपने बात की, देखिए सिर्फ निदा यासिर ही नहीं, इन लोगों को बहुत सारे लोग सपोर्ट करते आए हैं, आप लोगों ने देखा होगा बुशरन सारी से लेके सबा फैसल कुरैशी और वॉट नॉट। वैसे रिसेंटली जिस तरीके से ये ब्लॉगर्स और ये एक्टर्स एक्ट्रेसेस एक्सपोज हुए हैं, अगर आप लोगों ने देखा हो कि ये लोग पैसे लेके यार एक करप्ट गवर्नमेंट को भी यानी सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, एक ऐसी करप्ट गवर्नमेंट जिसका पूरी दुनिया में मजाक उड़ चुका है। आप वेस्ट से लेके ईस्ट से लेके नॉर्थ साउथ पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाएं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट का इस वक्त मजाक बना हुआ है, सही है, बच्चा बच्चा नोज इनकी करप्शन के किस्से। और ये तो हमारे जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज हैं, अगर वो इस तरह की गवर्नमेंट से भी पैसे लेकर, लेकिन ये दुनिया ना सिर्फ पैसे की है तो इस चीज को समझें। तो भाई अगर इन्होंने निदा यासिर शो पे आके बुला के कुछ भी कह दिया तो मतलब आप समझेंगे कि ये मतलब दूध से धुले हुए हैं या ये बिल्कुल गुनाह से पाक हैं, ओ हो, क्योंकि ये टीवी पे आ चुके हैं, ये तो सेलिब्रिटीज के। तो भाई आपकी सादगी पे ना साथ सलाम देना चाहूंगी मैं, और दैट्स अबाउट इट। यही मेरा जो ना, मुझे यही सारी बातें आप लोगों से करनी थी बेसिकली। तो देखिए इस सब में नुकसान किसका हो रहा है, हमारा नुकसान किसका हो रहा है, पाकिस्तानी आवाम का नुकसान हो रहा है, पाकिस्तानी ख्वातीन का, क्योंकि देखिए नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर दुनिया भर में 80-85% जो है ना ख्वातीन काम कर रही हैं। वाई? बिकॉज इट्स ईजी। वाई? बिकॉज इट हैज़ सपोर्ट सिस्टम, इसके अंदर जीरो तालीम, जीरो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, और ज्यादातर ख्वातीन यही सब देख रही होती हैं कि यार कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए, कोई ऐसी कम्युनिटी मिल जाए जो हमें इस तरीके से सपोर्ट कर सके, और वो है नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का हवा बना दिया है पाकिस्तान के अंदर और बदनाम करके रख दिया है इन फैक्टर्स की वजह से जो अभी मैंने आप लोगों के सामने कवर किए। सो प्लीज, हमारी आवाम को ना आदत है असल में जो स्पाइसी और नेगेटिव एस्पेक्ट होता है ना, इस तरह की जो कोई खबर होती है, हो तुम्हारे साथ स्कैम हो गया, अच्छा जी चलो जी 10 लोगों को और बताएं, तो ये हमारी खवातीन ना भाग पड़ती हैं, और अच्छा काम कर रहा होगा, अच्छी बात कर रहा होगा तो उसकी बात सुनना भी पसंद नहीं करेंगी, वो बोली कि अरे यार बोर कर रही है यार, शो मार रही है यार। तो ये हमारी ना आदत है एज अ फॉर्म। तो हमेशा जो है अगर आप किसी से कोई र्यूमर सुनते हैं ना, कोई उड़ी उड़ाई खबर सुनते हैं, उसको तस्दीक करें पहले यार, पता तो करें, फाइंड आउट तो करें। स्कैम मेरे साथ भी हुआ था तो मैं तो रोते नहीं बैठ गई ना, मैंने इसी इंडस्ट्री के अंदर बावजूद स्कैम होने के मैंने यहीं से कंटिन्यू किया और यहीं से अपनी लाइफ को बिल्ड किया और चेंज किया, ठीक है। तो क्यों? बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह शायद मेरे अंदर इतनी अकल थी, स्कैम होते वक्त शायद अकल मेरी पता नहीं कहाँ चली गई थी, लेकिन हाँ मुझे लेकिन ठोकर लगी तो समझ में आई ना, समटाइम्स ये भी होता है। तो आप लोग ये मत करें, गलती पे गलती मत करें, आपका नुकसान हो गया है तो एटलीस्ट दूसरे का नुकसान मत करें। एज अ नेशन पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है अगर आप इस तरीके से र्यूमर्स उड़ा रहे हैं। ऑनलाइन अर्निंग एक बहुत अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, इसको ठीक से समझें, जानें, लोगों से कनेक्टेड रहें और जल्दबाजी में फैसले मत करें, ठीक है जी। मुझे जरूर बताइएगा इस लाइव को सुनने के बाद आपके क्या व्यूज हैं, नेगेटिव व्यूज, पॉजिटिव व्यूज, क्रिटिसिज्म, एवरीथिंग इज वेलकम। मैं यहीं बैठी हूँ आप लोगों के हर किस्म की बातों के जवाब देने के लिए।